नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन कल रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हो गया और महाराष्ट्र कैबिनेट ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में इसे लेकर प्रस्ताव भी पास किया गया है और केंद्र को महाराष्ट्र सरकार प्रस्ताव भेजेगी। भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, तो ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र कैबिनेट में रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई और रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट में भारत रत्न देने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पास किया गया है और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसमें मांग की गई है कि रतन टाटा, जो कि देश के दिग्गज उद्योगपति, सबसे पुराने कारोबारी समूह टाटा सन्स के मानद चेयरमैन थे और उनकी अगुवाई में न सिर्फ टाटा ग्रुप ने व्यापार की, कारोबार की ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि देश ने भी उद्योग जगत में नाम रोशन किया, दुनिया भर में भारत का नाम रोशन हुआ। और यकीन मानिए कि रतन टाटा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक शख्सियत ही नहीं, भारतीयों की पूरी दुनिया थी। सुबह से लेकर शाम तक आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते थे, आप नमक से लेकर चाय, टाटा नमक, टाटा टी, या फिर मनोरंजन जगत में या कार की दुनिया में, छोटी से बड़ी गाड़ियां, स्टील, जो कि हर भारतीय का की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, तो तमाम वो चीज़ें टाटा से जुड़ी हुई हम आप बचपन से इस्तेमाल करते रहे हैं। और यही वजह है कि टाटा ग्रुप सिर्फ एक कंपनी भर नहीं है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और उस हिस्से को और ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचाया रतन टाटा ने, जिनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। और न सिर्फ उद्योग जगत बल्कि देश भर में और दुनिया भर से शोक संदेश आ रहे हैं और लोग नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, शाम 4 बजे का वक्त रखा गया है आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं मुंबई, चाहे वो सियासी दिग्गज हों या उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हों, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हों, सभी लोग, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हों, कौन कौन पहुंच रहे हैं वहाँ, आप क्या देख पा रहे हैं बताइए। जी बिल्कुल, जो बड़े उद्योगपति है वो तो पहुंच ही रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही शरद पवार हो जाए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हो जाए, उसके साथ ही प्रफुल्ल पटेल हो जाए, ये सब जो बड़े दिग्गज नेता है वो पहुंच रहे। साथ ही साथ राज ठाकरे, एमएनएस जो चीफ है, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले ही, जिसके बाद उनके तरफ से भी जो एक लास्ट रिस्पेक्ट है, एक अंतिम श्रद्धांजलि है, वो आज दी गई उनके तरफ से। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले ही जो दिग्गज नेता है, थोड़ी देर में ही अमित शाह भी मुंबई पहुंचने वाले हैं और वो भी जो है आखिरी जो श्रद्धांजलि है इस बड़े एक हस्ती को, जो कल हमारे जो कल ऐसी खबर आती है कि उनका जो निधन हो गया और वो अब हमारे बीच में नहीं रहे, तो जिसके बाद जो है एक सबके आंखों में एक नमी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो ईशा अंबानी है वो भी यहाँ पर पहुंची थी, जिस तरीके से उन्होंने भी जो एक लास्ट अपना जो ट्रिब्यू, एक लास्ट रिस्पेक्ट है, वो वहाँ पर रतन टाटा जी के सामने उनकी जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित किया। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार के तरफ से भी जिस तरीके से कैबिनेट में एक प्रस्ताव दिया है सेंटर को, कि जो जिस तरीके से जो रतन टाटा जी है उन्हें जो है भारत रत्न दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव जो है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को है प्रस्ताव भी दिया गया है। तो ऐसे फिलहाल जो है जो जितने भी जो बड़े उद्योगपति हैं वो आ रहे हैं और जितने भी जो बड़े जो
जो नेतागण है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो लगातार जो आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू है। हालांकि जो अगर मैं बात करूँ तो जो जो आम लोग हैं, आम लोग भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है रतन टाटा को वो दे सकते हैं। तो इसलिए जो सबके लिए यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है कि जिन 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 लोगों को आना है, जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करना है, वो वहाँ पर आ सकते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। जी प्रथमेश, बिल्कुल, और वो हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं, क्या आम क्या खास, सभी लोग, चूँकि रतन टाटा सिर्फ उद्योग जगत के ही सितारे नहीं थे बल्कि वो एक असाधारण इंसान इस मायने में भी थे क्योंकि बिजनेस को उन्होंने आम लोगों की सपनों से जोड़कर हमेशा रखा, आम लोगों की ज़रूरतों से जोड़कर रखा। कुछ कहानियाँ भी हैं कि जब एक बार वो बारिश में एक परिवार को भींगते हुए उन्होंने देखा तो वहीं से उनको प्रेरणा मिली कि सबसे सस्ती कार वो बनाए, 1 लाख लकटकिया कार टाटा नैनो बनाया जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों तक पहुंचा और उनके सपनों को पूरा करने में मदद मिली। और शाम 4 बजे तक का वक्त निर्धारित है, अंतिम दर्शन कर सकेंगे। नरबन पॉइंट स्थित एक हॉल है, वहाँ पर पार्थिव शरीर रखा गया है रतन टाटा के पार्थिव शरीर को, जहाँ पर वो अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उसके बाद का क्या कार्यक्रम है और किस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से फिलहाल जो है आखिरी जो जिस तरीके श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीपी पे उनकी जो शव है, पार्थिव शव है, वो यहाँ पर लाया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। मैं ताज़ा अभी आपको अपडेट दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं मौजूद इसलिए कि उद्धव ठाकरे अभी अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जिस तरीके से एक बहुत बड़े जो एक उद्योगपति हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग के रोल मॉडल भी रह चुके हैं रतन टाटा, और रतन टाटा का और इनके बीच में अब जो है रतन टाटा नहीं रहे हैं, तो इन सब बीच में जो है जितने भी जो बड़े हस्ती है, लोग हैं, लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनको जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है तो वो अर्पित की जा रही है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 3:30-4 बजे का फिलहाल ऐसा बताया जा रहा है कि समय यहाँ पर 3:30-4 बजे को यहाँ पर ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। उसके बाद जो है उनका जो पार्थिव शरीर है यहाँ से वर्ली ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका जो शव है उसको जो है पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो फिलहाल की तरफ से फिलहाल ये खबर है कि 3:30-4 बजे का जो समय रहेगा उसके उस वक्त रहेगा कि ये शव जो है पार्थिव शव है रतन टाटा का, वो यहाँ से NCPA नरीमन पॉइंट से वर्ली ले जाया जाएगा। उनकी जो एक बहुत जिस तरीके से एक वैन है उसे पूरी तरह से फूलों को सजाया हुआ है, उसी वैन से जो है जो उनका जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली लेके ले जाया जाएगा और वहां पर जो है उनका जो पार्थिव शरीर है उसे पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। हालांकि इस वक्त यहाँ पर मौजूद है उनके जो परिवार है वो भी यहाँ पर मौजूद है, उनके भाई यहाँ पर मौजूद है। तो ये सब फिलहाल जो है सबके जो आंखों में फिलहाल नमी है, क्योंकि जिस तरीके से कल खबर आती है कि एकदम से कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, और किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हालांकि कुछ दिन पहले ही ऐसी खबर आई थी कि रतन टाटा सीरियस कंडीशन में, लेकिन उन्होंने ये एक मैसेज दिया था सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और रूमर्स को देखिए मत, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं स्वस्थ हूँ, क्योंकि एज होने के कारण मुझे हॉस्पिटल में चेकअप करना है तो रेगुलर चेकअप के लिए आया हूँ। तो आखिरी समय तक ऐसा नहीं चाहते थे कि जो लोग हैं वो मेरी स्थिति के बारे में जाने और लोग ज्यादा चिंता ले, इसलिए जो है अभी आखिरी वक्त हमें पता चला है। इस तरीके से कल 11:30-12 बजे के आसपास जो है खबर आती है कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी बिल्कुल प्रथमेश, आप रहिए हमारे साथ, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, आदित्य ठाकरे भी साथ में मौजूद हैं। इससे पहले तमाम जो महाराष्ट्र सरकार से जुड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस हो, राज ठाकरे भी पहुंचे थे, और उद्योग जगत की तमाम वो हस्तियाँ या फिर सिने जगत के लोग, खेल जगत से भी जुड़े लोग, सचिन तेंदुलकर भी पहुँचे थे, और सभी नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और उनके साथ अगर कुछ यादें हैं तो ज़रूर उन यादों को आप साझा कर रहे होंगे या उन यादों को याद कर भावुक हो रहे हैं। तो मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं।